जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तब हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगे, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, लगा कि हम किससे अपनापन करें, यार सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से, और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब।